अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में सीखेंगे। सबसे सिंपल लॉ, राइट? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल है, याद करना बहुत इजी है, राइट? पर समझना उतना ही डिफिकल्ट है। इनफैक्ट न्यूटन सेकेंड लॉ से हम मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, पर न्यूटन ने ये अलग से स्टेट किया क्योंकि ये उतना ईजी चीज़ नहीं है हम लोगों को समझने के लिए, राइट? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये याद करना बहुत ईजी है पर समझना बहुत मुश्किल। सबको मालूम है अर्थ इज गोइंग राउंड द सन। क्यों जा रहा सन के चारों ओर? अर्थ, ये सन है, अर्थ सन के चारों ओर जा रहा है, राइट? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। क्यों जा रहा है? क्योंकि सन उसको पुल कर रहा है, राइट? सन अगर अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ डायरेक्टली सन की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, राइट? ये पेन को अर्थ पुल कर रहा है, इसको पेन को अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है, राइट? वो अर्थ के चारों ओर नहीं घूमने लगता है। तो अगर सन को अर्थ पुल कर रहा है, अर्थ को सन पुल कर रहा है, राइट? अगर अर्थ को सन पुल कर रहा है तो अर्थ सन की तरफ जाना चाहिए डायरेक्टली, उसके चारों तरफ क्यों घूम रहा है, राइट? सोचो, ये अर्थ है, ये एक पेन है, राइट? सोच लो, इसे अगर हम छोड़ते हैं तो ये अर्थ की तरफ सेंटर की तरफ जाता है, अर्थ के ऊपर गिर जाता है। सो ये सन पुल कर रहा है, अर्थ सन की तरफ जाना चाहिए, वो डेंजरस है पर जाना चाहिए, राइट? क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जब अर्थ फॉर्म हुआ तब उसने टेंजेंशियल वेलोसिटी पिकअप कर ली थी। उस टेंजेंशियल वेलोसिटी के कारण अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। अगर ये पेन है, इसको हम कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी दे देते हैं, तब अर्थ इसको पुल कर रहा है तो ये अर्थ की तरफ ही गिरना चाहता है, गिरता भी है, राइट? पर जब तक वो गिरता तब तक वो आगे चला जाता है और ये चीज़ रिपीट होते रहता है। तो अगर सफिशियंट वेलोसिटी देंगे तो ये अर्थ की तरफ घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा, राइट? इसी तरह अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, राइट? क्योंकि सन अर्थ को पुल कर रहा है। अर्थ सन को पुल करता है क्या? सन अर्थ को पुल कर रहा है, राइट? ये सन है, ये अर्थ है, ये इसको पुल कर रहा है, अर्थ को सन। अर्थ सन को पुल करता है क्या? नहीं करता है, एक्चुअल में करता है, राइट? किसका फोर्स ज्यादा होगा, सन का या अर्थ का? सन का या अर्थ का किसका फोर्स ज्यादा है? सन का, क्योंकि सन बड़ा है, राइट? वैसा अगर तुम्हें लगता है तब तुमने न्यूटन्स थर्ड लॉ सीखा नहीं है। ये दोनों फोर्सेस, ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ये समझना जरूरी है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, याद करना बहुत आसान है, पर जिस फोर्स से सन अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ भी उसी फोर्स से सन को पुल कर रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट है, दोनों फोर्स है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। एम वन मास ऑफ सन ले सकते हैं, एम टू मास ऑफ अर्थ, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट? ये दोनों फोर्सेस सेम है, राइट? ये पेन है, इसको अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? गिरेगा टुवर्ड्स अर्थ। सो अर्थ इस पेन को पुल कर रहा है, ये पेन अर्थ को पुल कर रहा है क्या? ये समझ लो पेन है, राइट? पेन लिख देता हूं, ये अर्थ है। सो अर्थ पेन को पुल कर रहा है कुछ फोर्स से। पेन अर्थ को पुल कर रहा है क्या?
फैन भी अर्थ को पुल कर रहा है, राइट। अभी हमने सीखा न्यूटन्स थर्ड लॉ, कौन सा फोर्स ज्यादा है, दोनों फोर्स सेम है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमेशा याद रखो। अगर मैं इस पेन को पुश करता हूं, ये पेन मुझे पुश करता है क्या? यस, कितने फोर्स है, सेम फोर्स है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर किसी घोड़े को कोई उसके घोड़ी गाड़ी से बांध दिया गया, घोड़े को हमने घोड़ी गाड़ी से बांध दिया, राइट। अगर घोड़ा घोड़े गाड़ी को कुछ फोर्स से पुल कर रहा है, घोड़ा गाड़ी उसको पुल कर रहा है क्या? कितने फोर्स है, सेम फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब सोचो एक घोड़ा गाड़ी है, कार्ट, CART, राइट, उसको तुमने एक घोड़े से बांध दिया। घोड़ा एजुकेटेड है, घोड़ा हिंदी इंग्लिश समझता है और घोड़ा साइंस पढ़ा हुआ है, उसको न्यूटन्स लॉस मालूम है। तुम घोड़े को कहते हो कि पुल करो, घोड़ा तुम्हें बताता है कि अगर मैं पुल करूंगा, कार्ट मुझे पुल बैक करेगा विथ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इसलिए कार्ट मूव नहीं करेगा। अब घोड़ा आराम से बैठा है, घास खा रहा है, बोल रहा है कि मैं पुल करूंगा तो कार्ट मुझे पुल बैक करेगा, न्यूटन ने बोल के गया है, न्यूटन इतना महान साइंटिस्ट है, सो फिर पुल करके कोई फायदा नहीं है। हॉर्स राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग है, क्योंकि कार्ट को पुल कर सकता है, कैसे पुल कर सकता है, जब जो भी फोर्स वो अप्लाई करेगा कार्ट उसको पुल बैक करेगा, वो सेम फोर्स। सोचो अगर मैं इसको पुश करता हूं, इस पेन को, ये पेन मुझे पुश बैक कर रहा है सेम फोर्स, फिर भी पेन मूव कर रहा है, कैसे, कैसे, हाउ? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट दे डू नॉट एंड दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन ये दोनों इक्वल ऑपोजिट है, ये सही है, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड डू नॉट कैंसिल ईच अदर। हॉर्स का जो पुल है वो कार्ट के ऊपर एक्ट करता है, राइट, और कार्ट उस पुल की वजह से एक्सेप्ट कराता है, फॉरवर्ड एक्शन फ्रिक्शन है उसका, वो अलग बात है, राइट, वो सब बाद में डिटेल में हम देख सकते हैं। कार्ट का पुल हॉर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट, हॉर्स ग्राउंड को पुश कर रहा है, उसके चलते उसको सामने जाने के लिए फोर्स मिल रहा है, पर ये एक्शन और रिएक्शन ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, राइट, ये दोनों अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा दो अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, और न्यूटन ने जैसा कहा कॉन्ट्रारी पार्ट्स, ओके, एंड दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। सो इतना हमें समझना होगा न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड डू नॉट कैंसिल ईच अदर, राइट, ये हमेशा याद रखो। अगर कोई टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक है mg, उसका वेट, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या, जो एज डिफाइंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ, यस या नो? ये है क्या एक्शन रिएक्शन? ये दोनों इक्वल ऑपोजिट रहेंगे क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा वर्टिकल डायरेक्शन में, पर ये एक्शन रिएक्शन है क्या एज डिफाइंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ? नहीं, क्यों? ये एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, और एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम टाइप के फोर्स होंगे,
अगर एक्शन रिएक्शन, एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है, रिएक्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, रिएक्शन भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो ये अर्थ इसको पुल कर रहा है, इसीलिए एम जी एक्ट कर रहा है। अर्थ के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इक्वल ऑपोजिट होगा एम जी, ये दोनों फोर्स हो गए एक्शन रिएक्शन, राइट, सेम टाइप के फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन कहाँ पे है? ये नॉर्मल ये इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इस बॉडी के वेट के कारण इक्वल ऑपोजिट नॉर्मल ये दूसरे इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों हो गए एक्शन रिएक्शन पेयर। दो नॉर्मल रिएक्शन है एक्शन रिएक्शन पेयर, दो एम जी है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड डू नॉट कैंसल ईच अदर, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ।